जय हिंद। मैं राहुल डॉक्टर बी डी मिश्रा आईटीआई से हुशियरनगर। लॉजिक गेट, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट सात प्रकार के होते हैं। नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, आर गेट, एक्सआर गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। इन सभी गेटों का सिंबल देखा जाएगा, उसके साथ साथ टू टेबल देखी जाएगी और इनके आईसी, आईसी में किस प्रकार के गेट सेट रहते हैं और इन गेट आईसी में नंबर क्या होते हैं। सभी आईसी के अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे नॉट गेट के नंबर अलग होंगे, एंड गेट के नंबर अलग होंगे, नैंड गेट के सभी के नंबर अलग होंगे, उसके साथ साथ सभी का सिंबल अलग होगा, सभी का टू टेबल अलग होगा। तो इस तरीके से हम आज देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में सबसे पहले नॉट गेट को कवर किया जाता है। नॉट गेट, नॉट गेट मतलब नहीं, नॉट गेट का मतलब ही है नहीं। जैसे सिंबल, सिंबल बनाया गया है, ये है सिंबल। सिंबल पे आगे देखो नो गोला गोला करके बनाया गया है, ये सिंबल हो गया हमारा नॉट गेट का। ये सिंबल नॉट गेट का है। इनपुट और आउटपुट, यानी इनपुट में ए मिलेगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार, मतलब ए का उल्टा, जो भी ए में होगा उसी का उल्टा आउटपुट में आपको मिलेगा। जैसे ट्रुथ टेबल हम देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ इनपुट में जीरो जीरो देते हैं, मतलब सिग्नल क्या देते हैं, सिग्नल हम इनपुट में सिग्नल हम जीरो देते हैं, जीरो। अब जैसे सिग्नल में आपको पता है जीरो का मतलब सिग्नल है या नहीं, जीरो का मतलब नहीं है, नो, और वन का मतलब है यस, सिग्नल है, वन का मतलब होता है। तो ये आप पहले बार समझ के रखिए इसको, कि जीरो मतलब सिग्नल नहीं और वन मतलब सिग्नल है, मतलब कि हम यहाँ जीरो दे रहे हैं, मतलब सिग्नल हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ जीरो दे रहे हैं, हम सिग्नल नहीं दे रहे हैं, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, इसका उल्टा, ए का उल्टा, ए बार, मतलब सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो मतलब सिग्नल है। आउटपुट में क्या देगा, सिग्नल है, मतलब इनपुट में जीरो है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, वन। यहाँ जीरो दिए तो आउटपुट में वन मिलेगा। उसके साथ साथ यदि हम यहाँ पे इनपुट में वन कर देते हैं तो वन का उल्टा हो जाएगा, ए बार लगा हुआ है यानी आउटपुट में उल्टा हो जाएगा, तो वन का उल्टा जीरो, मतलब सिग्नल नहीं है। यदि इसमें सिग्नल दिया जाता है तो आउटपुट में सिग्नल नहीं देगा, यदि इनपुट में सिग्नल नहीं दिया जाता है तो आउटपुट में सिग्नल देगा। तो इनपुट में सिग्नल दिया गया है तो आउटपुट में सिग्नल नहीं हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका ये ट्रुथ टेबल हो गया, उसके साथ साथ ये आईसी, आईसी ये आईसी में 24 ए इस आईसी में 14 टर्मिनल होते हैं, इस आईसी में 14 टर्मिनल होते हैं। 14 टर्मिनल में 1 2 3 4 5 6 7 सात इधर और सात उधर, सात इस पार और सात उस पार होता है। तो नॉट गेट जैसा कि सिंबल के ही तरीके से आपको बना दिखाया गया है, इसमें एक नॉट गेट इधर बैठाया गया है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठवां, एक आईसी में 6 नॉट गेट बैठते हैं। अब इस आईसी में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें से सातवां, सातवां वाला जो है वो ग्राउंड रहेगा। सातवां टर्मिनल आईसी का काउंट कैसे करेंगे, सातवां हम लोग इधर से भी चल सकते हैं ना, इधर से भी काउंट किया जा सकता है कोई किसी भी तरीके से। तो इसको डिनोट करने के लिए ये जो आईसी आप पकड़ेंगे तो इसमें से एक ऐसा होल मार से कट रहता है, हल्का सा कट रहता है, इधर एक पॉइंट लगा होता है, ठीक, इधर कट होता है, ये जो कट है इसी तरीके से आपको अपने सामने रख लेना है और यहीं से कितना स्टार्ट कर देना है दाहिने हाथ से। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 नंबर पे ग्राउंड हो गया, 14 नंबर पे बेसिसी प्लस, यानी इसको भी चलाने के लिए एक सप्लाई की आवश्यकता होगी। सप्लाई की आवश्यकता में आप यहाँ पे माइनस देंगे, -6 वोल्ट, यहाँ पे +6 वोल्ट ये दिया जाएगा, तब ये आईसी वर्क करने लगेगी। तो जहाँ भी चाहेंगे उसका उपयोग किया जा सकता है। ये आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो आईसी नंबर होता है वो 7404 होता है, इसको नोट कर लीजिए, 7404 ये आईसी नंबर होते हैं, 7404 होते हैं। ये नॉट गेट का था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एंड गेट, नेक्स्ट देखा जाएगा एंड गेट। ये नॉट गेट था, नॉट गेट का आईसी नंबर 7404। यदि पूछा जाता है ग्राउंड टर्मिनल कौन सा है तो सातवां है ग्राउंड टर्मिनल, बीसीसी प्लस टर्मिनल कौन सा है तो 14 नंबर पे है, और इसी फॉर्म में ये
एक आईसी में छह नॉट गेट होते हैं।